हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुभा एंड आई वेलकम यू टू माय पैच ऑफ हेवन। फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो आपसे शेयर किया था जिसमें मैंने एक एग्लोनीमा जो कि बहुत लंबा हो रहा था और नीचे का जो स्टेम था वो बिल्कुल लीफ नहीं थी उसमें, तो मैंने उसे कट किया था और जो अपर स्टेम था उसको मैंने इस तरह से वाटर में प्रोपोगेट किया था। तो ये उसी का अपडेट वीडियो है। ये देखिए, जो लोअर स्टेम है इसमें आप ये देखिए, ये नई शूट निकल आई है। कितनी बढ़िया शूट निकली है ये, कितनी हेल्दी है ये। और जो अपर स्टेम है उसको मैंने ऐसे पानी में डाल दिया था और थोड़ा सा ब्राइट लाइट में, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखा था ये प्लांट। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी रूट डेवलप हो गई हैं। तो अब मैं इस एग्लोनीमा को रिपोर्ट कर दूंगी और जो ये नीचे वाला एग्लोनीमा है इसके साथ में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए नई शूट आ रही हैं, तो ये एक बहुत बुशी प्लांट बन जाएगा। लेकिन पहले मैं इसको एक अलग पॉट में रिपोर्ट करूँगी इसमें, ताकि ये और अच्छे से रूट डेवलप अपनी कर ले। तो जब ये रूट अच्छे से स्टैब्लिश हो जाएंगी मिट्टी, क्योंकि अभी ये पानी में है, तो जब ये पॉटिंग मिक्स में ये अपने को एडजस्ट कर लेंगी तब मैं इन तीनों को एक साथ में रिपोर्ट कर दूंगी। तो मैंने ये पॉटिंग मिक्स बनाया है। इस पॉटिंग मिक्स में कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट है और ये जो कोको हस्क होते हैं ये छोटे छोटे से इसके एरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये छोटे छोटे से इसके टुकड़े होते हैं कोको हस्क की, मैंने ये भी डाला है। मैंने थोड़ा सा इसमें एरेशन के लिए ही ये लीका बॉल्स भी डाल दिए हैं, पर लाइट है इसमें, तो ये सिर्फ एरेशन के लिए मैंने इसमें डाले। थोड़े से चारकोल भी डाल दिए हैं ताकि कोई फंगस वगैरह ना लगे रूट्स में। तो ये मैंने पॉटिंग मिक्स बनाया है। मैंने आपको पॉटिंग मिक्स बनाने का भी वीडियो एक शेयर किया है, वो आप देख सकते हैं मेरे बाकी वीडियोज़ में। तो ये देखिए एग्लोनीमा पानी में, लेकिन कितना अच्छे से इसकी लीफ का कलर आया है। तो मैं इस एग्लोनीमा, इसका नाम प्रॉस्पर्टी है इस एग्लोनीमा का, तो मैं इस एग्लोनीमा को रिपोर्ट करने जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे रिपोर्ट करती हूँ। तो ये पॉट जो है ये मैंने छोटा ही लिया है, ये 6 इंच का पॉट है, क्योंकि पहले हमें रूट को अच्छे से स्टैब्लिश करना है। तो इस पॉट में मैं इसके नीचे ये कोको हस्क जो ये डाल दूंगी, ये कोको फाइबर्स हैं ये, सिर्फ ये मैं नीचे डाल दूंगी ताकि ड्रेनेज अच्छे से हो, जब पानी हम डालें तो मिट्टी बाहर ना आए। तो इसीलिए मैंने ये इसमें डाल दिया है। अब इसमें पॉटिंग मिक्स डालेंगे। हाफ फिल करने के बाद में आपको ये ऐसे इसमें लगा देना है, और उसके पहले मैं इनकी रूट्स अच्छे से डेवलप हों इसके लिए ये एक माइक्रोरोजिया आता है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। माइक्रोरोजिया आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि जो माइक्रोरोजिया होते हैं वो रूट डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिक है ये, तो ये ऐसे पाउडर की फॉर्म में मिलते हैं और ग्रैनुलर फॉर्म में भी मिलते हैं। तो इस तरह से आप इनको लेके अगर रूट में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें, इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया मैंने, तो ये रूट्स और अच्छे से डेवलप होंगी। थोड़ा सा इसमें जो पॉटिंग मिक्सर्स में भी मिला दिया, बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है, ऐसे मैंने डाल करके अब इसमें बाकी पॉटिंग मिक्स फिल कर दूंगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको ऐसे प्रेस करके कर, ताकि कोई एयर पॉकेट ना रह जाए नीचे, अच्छे से प्रेस करके आपको इसको फिल करना है। इसको जब फिल करने के बाद में इसमें अच्छे से पानी डाल देंगे, 2-3 बार पानी डालेंगे ताकि पानी नीचे से अच्छे निकल जाए और जो मिट्टी है वो, उसकी जो पॉटिंग सॉइल है ये बहुत अच्छे से वेट हो जाए। तो इसको ऐसे करके फिर हम 3-4 दिन के लिए इसे थोड़ा सेमी शेड में रखेंगे, मतलब ऐसी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जिस जगह पे। मैं तो इसको उसी प्लेस पे रख दूंगी जहाँ पे मैंने इसे पहले, जहाँ रूट डेवलपमेंट के लिए जहाँ पे स्पॉट को रखा था। मेरी एक शेल्फ है जहाँ पे मैं वाटर प्रोपेगेशन करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। वो ये देखिए, ये मेरी वाटर प्रोपेगेशन की शेल्फ है, मैंने इसमें ऊपर ग्रो लाइट लगा के रखी हुई है और यहाँ पे सारे प्लांट जो भी वाटर प्रोपोगेट होते हैं, जो उनको रूट्स डेवलपमेंट चाहिए होता है, वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। मैं इसको यहीं पे रख दूंगी। तो 1 हफ्ते को आपको इसको बहुत हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रखना है, उसके बाद आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है। अब इसमें अच्छे से पानी डाल दूंगी मैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा अपडेट वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।